दोस्तों इसी तरह टैक्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप जरूर दबाएं और साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से किसी भी प्रकार के लोकल टिकट या ऑर्डिनरी टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दोस्तों देखते होंगे कभी कभी आपको लाइन में खड़े रहने पड़ते हैं दोस्तों, बहुत सारी भीड़ मौजूद वहां पर होते हैं जिसके मदद से आपको कभी कभी टिकट नहीं मिल पाते हैं। जो लोकल टिकट आप खरीदते हैं दोस्तों अगल बगल जो स्टेशन से आप जो मतलब रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदते हैं जो लोकल टिकट होता है उससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बुक कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो इस वीडियो पर आप बने रहें दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप टिकट को बुक कर पाइएगा। तो आपको सिंपली UTS नामक एक ऐप दोस्तों इसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे इसे इंस्टॉल करिएगा तो आपको सिंपली ओपन कर लेना दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे आपका डाटा ऑन होना चाहिए। तो जैसे ही ऑन करिएगा यहाँ पर आपको लोकेशन ऑन करने को बोलेगा, सिंपली आप लोकेशन को ऑन कर दीजिएगा, तभी आपका पता चल पाएगा दोस्तों कि आप वहां से टिकट बुक करने की सक्षम है या नहीं है। तो आपको लोकेशन ऑन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप दोस्तों आपको लॉगिन हो जाना है। अगर आप पहली बार इसे ओपन कर रहे हैं तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे दोस्तों, सिंपली आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी प्राप्त हो जाएगी, तो सिंपली आप लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितने प्रकार की मतलब फीचर्स इसमें दी जा रही है। इस ऐप में आपको बुक टिकट पहला ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, आर वॉलेट दोस्तों जो कि एक प्रकार का जिसमें आपका बैलेंस रहता है दोस्तों, कभी आप देखेंगे पेटीएम वॉलेट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे ऑप्शन। ये आर वॉलेट है जिसमें आप पैसे जमा करके रख सकते हैं और उसकी मदद से आप टिकट को बुक कर सकते हैं। और यहाँ प्रोफाइल है दोस्तों और शॉप बुक टिकट, जो आप टिकट बुक करेंगे यहाँ से आप उसे देख सकते हैं शॉप बुक टिकट में। उसके बाद हेल्प है दोस्तों, उसके बाद सिंपली आप जानते होंगे लॉग आउट। यहाँ पर हमें टिकट बुक करना है तो आपको सिंपली बुक टिकट पर क्लिक करना होगा। और ध्यान रहे दोस्तों अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको स्टेशन से 2 किलोमीटर मतलब स्टेशन के 2 किलोमीटर अंदर ही रहना है दोस्तों, बाहर नहीं रहना है। अगर आप बाहर रहेंगे स्टेशन से 2 किलोमीटर आप बहुत बाहर रहेंगे तो आपका ये शो नहीं करेगा स्टेशन, मतलब जो आप डालेंगे यहाँ पर अपना फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन डालेंगे तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा। और अगर आप 2 किलोमीटर अंदर आते हैं स्टेशन के, 2 किलोमीटर आप अंदर रहते हैं तो आपका ये ऑप्शन शो करेगा और यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप प्लेटफॉर्म के अंदर हैं यानी स्टेशन के अंदर हैं तो आप टिकट बुक करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, वहीं से आप टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल बुकिंग पर क्लिक कर देना है, जो कि मेरा लोकल टिकट और ऑर्डिनरी टिकट बुक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस दोस्तों, मतलब जो ये फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर टिकट को आप बुक करिएगा तो ये पेपरलेस होगा, यानी दोस्तों जो टिकट का पेपर निकलता है दोस्तों वो आपको लेस मतलब बिना पेपरलेस के आपको यहाँ पर टिकट शो करना पड़ेगा। अपने मोबाइल में जाइएगा, बुक हिस्ट्री टिकट में जाइएगा, वहाँ से आप दिखा दीजिएगा TT को तो आपका मान हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों बुक एंड प्रिंट, तो आपको जैसे बुक करिएगा तो इस टिकट को आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको पेपरलेस पर क्लिक करना है दोस्तों, ये आपको आसानी सुविधा मिल जाएगी, नहीं तो आपको दूसरे में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको टिकट को प्रिंट निकालना पड़ेगा जो कि काफ़ी परेशानी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 किलोमीटर स्टेशन के अंदर होंगे तो आपको यहाँ पर फ्रॉम स्टेशन डालिएगा, यहाँ से जैसे मैं जो आपका 2 किलोमीटर के अंदर जो स्टेशन आता है दोस्तों वो शो होगा। मेरा जैसे 2 किलोमीटर के अंदर स्टेशन क्यूल जैक्सन शो हो रहा है, यहाँ पर मैं क्यूल जैक्सन क्लिक कर देता हूँ। 2 स्टेशन जो शो कर सकते हैं दोस्तों आपके फ्रॉम, तो मतलब जो क्यूल स्टेशन मेरा दोस्तों 2 किलोमीटर के अंदर है और मुझे जहाँ जाना है वहाँ से मैं लोकल टिकट दोस्तों अगल बगल जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ
मोकामा का मोकामा जैक्सन। फिर मैं डन पर क्लिक करता हूँ। जो आप मतलब जो 2 किलोमीटर के अंदर स्टेशन रहिएगा दोस्तों, जिसमें आपका 2 किलोमीटर के अंदर जो स्टेशन शो हो रहा है वही आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा फ्रॉम में जाकर, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना जो 2 जो स्टेशन रहता है दोस्तों वहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई मिलेगी, एडल्ट, चाइल्ड, टिकट टाइप, ट्रेन टाइप, क्लास, पेमेंट टाइप। एडल्ट आपको जो सेलेक्ट करना है दोस्तों, अगर आपके एडल्ट 2 हैं 3 हैं जितने जा रहे हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। चाइल्ड जितने जा रहे हैं 0, 1, 2, 3 जितने जा रहे हैं सेलेक्ट कर दीजिएगा। टिकट टाइप जर्नी रहने दीजिएगा दोस्तों। ट्रेन टाइप ऑर्डिनरी जो लोकल टिकट दोस्तों रहता है। सेकेंड क्लास यहाँ पर सेलेक्ट रहने देना है। और सबसे ज़रूरी बात पेमेंट टाइप, यहाँ पर आप रियल वैलेट से यूजिंग कर सकते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मेरा जो दोस्तों रेल वैलेट से ही रहने देता हूँ। फिर आप ओके पर क्लिक करिएगा। ओके पर क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पर पेमेंट शो हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं 10 रुपया जो लोकल टिकट लगता है दोस्तों क्यूल से मोकामा जंक्शन का 10 रुपया है, और यहाँ पर मेरा टोटल फेयर 10 रुपया लग रहा है। यहाँ पर बुक टिकट पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा टिकट बुक हो जाएगा। तो मैं आपको बुक 100 टिकट में आपको दिखाता हूँ, मैंने 2 टिकट बुक करके रखा हो दोस्तों। तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर जाता हूँ 100 बुक टिकट में, मैंने 2 टिकट पहले से बुक करके रख चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसका मान्यता अब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक दिन पहले ये टिकट बुक करके चेक कर रहा था कि टिकट बुक हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टिकट मेरा जो है ये पेपरलेस है। मैं इसे UTS नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप दिखाएंगे दोस्तों TT को तो आपका मान्य हो जाएगा। इसी तरीके से आप बुक कर सकते हैं अपने लोकल टिकट और ऑर्डिनरी टिकट को आप बुक कर सकते हैं इस एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से, इस ऐप की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं और इस मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, अगर आप नए बंदे हैं दोस्तों और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे आपको लाल बटन का सब्सक्राइब मिलेगा दोस्तों, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन का मिलेगा दोस्तों, उससे आप दबा दें, और साइड में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो। हर साय उते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया।